कड़कनाथ भारतीय चिकन की एक प्रजाति है जिसे काली मासी के नाम से भी जाना जाता है। कड़कनाथ अपनी अनुकूलन क्षमता और अपने ग्रे व काले मांस के लिए लोकप्रिय है। माना जाता है कि इस नस्ल की उत्पत्ति मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के कटिहार अलीराजपुर जंगलों से हुई थी। इसका मांस स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभदायक होता है क्योंकि इसमें 25% तक प्रोटीन तथा मात्र 0.73% से 1.03% तक वसा होता है। इसमें कोलेस्ट्रॉल की कम मात्रा के कारण इसे हाई ब्लड प्रेशर के रोगी भी ले सकते हैं। कड़कनाथ के रक्त में मेलेनिन पिगमेंट के कारण कहा जाता है कि यह विटिलगो जैसी त्वचा की बीमारी के लिए लाभदायक होता है, जिसमें स्किन का रंग मेलेनिन की कमी के कारण असमान धब्बों के रूप में फैल जाता है। यह अमीनो एसिड से भरपूर होता है। इसमें विटामिन B1, B2, B6, B12, विटामिन सी, विटामिन ई, नाइसिन, कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। ऐसे बहुत से लाभों युक्त होता है कड़कनाथ मुर्ग। आज के इस वीडियो में पहले हम कड़कनाथ के मांस को प्रोसेस करेंगे, इसके अनावश्यक अंगों से यखनी बनाएंगे तथा कड़कनाथ की करी में वो यखनी सम्मिलित करके उसका स्वाद वर्धन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कड़कनाथ मुर्गे की स्वादिष्ट और लाभदायक रेसिपी। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नए अपलोड के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन टच करें। ये लगभग 1 किलोग्राम कड़कनाथ मुर्गा है। इसको हमने त्वचा के साथ लिया है। इसके पोटा और कलेजी हमने पहले ही बूचर से साफ करवा लिए थे। ये ब्लो टॉर्च के द्वारा हम इसकी स्किन को थोड़ा भूनेंगे ताकि यह मांस के साथ अच्छी तरह से चिपक जाए और थोड़ी करारी भी हो जाए। अमूमन कई बूचर यह प्रक्रिया आपके निर्देशानुसार करके देते हैं, पर मैं आपको दिखाना चाहता था इसीलिए इसे स्वयं कर रहा हूँ। कई मित्रों की यह दुविधा होगी कि उनके यहाँ मुर्गा स्किन के साथ नहीं मिलता, तो वैसे तो यह एक सामान्य सी प्रक्रिया है। निर्जीव मुर्ग को खोलते तापमान युक्त गर्म पानी में 5 मिनट के लिए डुबा देते हैं और तत्पश्चात इसके परों को खींच लेते हैं। गर्म पानी में जाने के बाद आसानी से इसके सारे फेदर निकाले जा सकते हैं। पूरे चिकन की स्किन को आँच दिखाकर इसके शरीर से चिपका देते हैं। अब इस चिकन को टुकड़ों में काट लेते हैं। विंग्स के नुकीले हिस्से काटकर हटा देते हैं। ये हमने पूरे चिकन को टुकड़ों में काट लिया है। हमारा चिकन अब प्रसंस्कृत है कड़कनाथ मुर्गे की रेसिपी में सम्मिलित होने के लिए। ये चिकन के पंजे हैं, इन्हें भूनकर ऊपरी त्वचा जला देते हैं। बहुत से दर्शकों को शायद यह चरण अच्छा ना लगे, पर मेरा लक्ष्य है कि किसी भी रेसिपी में कम से कम वेस्टेज के साथ उपेक्षित अंगों की बर्बादी रोककर उनसे भरपूर स्वाद प्राप्त किया जाए। वैसे भी हम भोजन के लिए किसी जीव का बलिदान कर रहे हैं, तो हमारा यह कर्तव्य है कि उनके अंगों को भरपूर प्रयोग किया जाए। इसके पैरों को पानी में रगड़कर अच्छे से धो लेते हैं। अब एक प्रेशर कुकर में 0.5 लीटर के लगभग पानी लेते हैं। इसमें पंजे सम्मिलित कर देते हैं। विंग्स के नुकीले हिस्से भी पानी में डाल देते हैं। कुछ पसलियों वाले टुकड़े जिनमें मांस कम और हड्डियां अधिक होती हैं सम्मिलित कर देते हैं तथा चिकन के अंदर से निकाली गई चर्बी भी ऐड कर देते हैं। 3 से 4 मोटे प्याज के टुकड़े सम्मिलित करते हैं। 3 से 4 लहसुन की कलियां छिलकों सहित सम्मिलित कर देते हैं। 1 टुकड़ा दालचीनी, 1 तेजपत्ता, 1 टीस्पून साबुत धनिया, 3 से 4 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 2 हरी इलायची, 0.5 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून नमक सम्मिलित करते हैं। अच्छे से मिला देते हैं। प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके मध्यम आंच पर 5 विसल तक पका देते हैं। ऐसा करने से कुछ बेकार अंगों, चर्बी इत्यादि के साथ मसाले को पकाने पर स्वादिष्ट सूप प्राप्त होता है। इसे हम यखनी भी कह सकते हैं। इसे छान लेते हैं। यह पानी हम ग्रेवी के लिए प्रयोग करेंगे।
ताकि इसका स्वाद उभर कर आए। आप चाहें तो यह यखनी वाला चरण स्किप कर सकते हैं और ग्रेवी के लिए साधारण पानी प्रयोग कर सकते हैं। चलिए अब रेसिपी में आगे बढ़ते हैं। यह आधा किलो के लगभग प्याज है जिसे हमने लच्छों में काट लिया है। हमें 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 12 से 15 लहसुन की कलियों की आवश्यकता है। पिसे मसालों में 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून जीरा, आधा टीस्पून गरम मसाला, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 से 1.5 टेबलस्पून कश्मीरी मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक लेते हैं। इन मसालों को थोड़े पानी में घोलकर इनका पेस्ट बना लेते हैं। अब एक प्रेशर कुकर में 1/4 कप के लगभग सरसों का तेल सम्मिलित करते हैं। तेल गर्म होने पर 1 तेजपत्ता सम्मिलित करते हैं। तेल अभी गर्म नहीं हुआ है, थोड़ा गर्म करने के बाद इसमें थोड़े सूखे साबुत मसाले सम्मिलित करते हैं। आधा टीस्पून के लगभग जीरा शामिल करते हैं। कुछ क्षण भूनते हैं ताकि इनका अर्क तेल में समाहित हो जाए। अब कटी हुई प्याज सम्मिलित करते हैं, लहसुन की कलियां भी सम्मिलित कर देते हैं। इसे मध्यम आंच पर सुनहरा रंग का दिखने तक भूनते हैं। ये 6 से 7 सूखी साबुत लाल मिर्च हैं। इन्हें तोड़कर प्याज में सम्मिलित करते हैं। लहसुन और अदरक का पेस्ट सम्मिलित करते हैं। इसे मिलाकर 2 से 3 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं। प्याज सुनहरी दिख रही है। अब इसमें मसालों से बना पेस्ट सम्मिलित करते हैं। मिलाकर 3 से 4 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं। फिर ढककर 5 से 7 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। एक बार अच्छे से करछी चलाते हैं। इसमें काले चिकन के टुकड़े सम्मिलित करते हैं। चिकन के पीसेस को मसालों में अच्छे से मिलाते हैं। इसे मसालों के साथ 2 से 3 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं। इसे ढककर 10 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। 10 मिनट बाद आप देखेंगे कि चिकन ने बहुत सारा पानी छोड़ दिया है। आंच को तेज कर देते हैं और निरंतर करछी चलाते रहते हैं। हमें इसके अतिरिक्त पानी को सुखाना है। इसमें 1 टीस्पून अतिरिक्त गरम मसाला सम्मिलित करते हैं। इसे अच्छे से मिलाते हैं और पुनः भूनते रहते हैं जब तक कि पानी कम नहीं हो जाता। चिकन को मसालों के साथ इत्मीनान से भूनते हैं क्योंकि अच्छे स्वाद का यही राज है। चिकन का पानी कम हो चुका है, अब आंच मध्यम कर देते हैं और पुनः भूनते रहते हैं। मसाला अच्छे से भुन चुका है, यह तली पर हल्का हल्का चिपक रहा है। करछी से खरोंच कर मसाला तली से हटा लेते हैं। इसमें रेसिपी की शुरुआत में बनाई गई यखनी सम्मिलित करते हैं, अच्छे से मिलाते हैं। प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके 1 विसल तेज आंच पर और 5 विसल धीमी आंच पर लगाते हैं। कड़कनाथ मुर्गा
सख्त होता है और देर में पकता है। पकाने के उपरांत प्रेशर मुक्त ना करें, उसे स्वतः मुक्त होने दें। चलिए अब प्रेशर कुकर खोलकर अंदर का मुआयना करते हैं। वाह, कलर तो एकदम लाजवाब लग रहा है। इसमें थोड़ी सी कटी हुई बारीक हरी धनिया की पत्तियां सम्मिलित करते हैं, एक बार अच्छे से मिला देते हैं। एक बार कड़कनाथ मुर्ग अवश्य बनाएं और अपना अनुभव हमसे साझा करें। चलिए इसे गर्मा गर्म परोसते हैं। इसका स्वाद इतना लजीज होता है कि आपके पसंदीदा व्यंजनों में अपना स्थान बना लेता है। इसका आनंद आप अपनी पसंदीदा रोटियों अन्यथा चावलों से उठाएं। तो लुत्फ उठाएं कड़कनाथ मुर्ग अपनों के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करके हमारे चैनल को ग्रो करने में सहायता करें।